हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैंने ये ढाबा स्टाइल रेस्टोरेंट स्टाइल उससे भी मजेदार रिच क्रीमी ये पनीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे कुछ ही इंग्रेडिएंट्स के साथ घर में ही बनाया जा सकता है। आप इसे लच्छा पराठा, नान, तंदूरी रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसमें दो तरह की ग्रेवी बनाई जाती है, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने कढ़ाई ली है, उसमें 2 चम्मच तेल डाला है, जीरा, लहसुन की कलियां, रफली कटा हुआ अदरक, मोटी मोटी कटी हुई हरी मिर्च और उसी के साथ प्याज डाले हैं। प्याज 3 मीडियम साइज के प्याज हैं जिनको मोटा मोटा काट लिया है। 1 तेज पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा और इसके साथ 3 हरी इलायची ऐड कर रही हूँ और इनको हल्को हाथों से मिक्स कर लेना है। प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक पकाना है। उसके बाद हम इसमें मोटे मोटे कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं मैंने, जिनको इसमें डाल देना है। और धनिए के डंठल हैं, मोटे मोटे जो डंठल होते हैं धनिए के, वो हम इसमें डाल देंगे। नमक, हल्दी और कश्मीरी पाउडर ऐड करेंगे। इसी के साथ ही 3 खड़ी मिर्च ली है, जिसको तोड़ करके डाल देना है। इसके बाद इसमें काली मिर्च, लौंग और काजू डाले हैं। काजू हमने कम से कम 15 के करीब लिए हैं और मगज के दाने हैं। मगज के दानों को 3 चम्मच के लगभग लिया है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इस मसाले को हमें 10 से 15 मिनट तक अच्छे से स्लो फ्लेम पर पकाना है। पनीर लबाबदार बनाने के लिए हमने जो इसमें काजू और खरबूजे के बीज ऐड किए हैं, वो इस रेसिपी को अच्छा रिच लुक दे और ग्रेवी में भी गाढ़ापन रहेगा, जो इस रेसिपी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं इसमें गर्म पानी ऐड कर रही हूँ और गर्म पानी ऐड करके हमें इनको थोड़ी देर और पकाना है। मसाला पक कर के तैयार है। अब इसको हल्का सा ठंडा होने के बाद हम इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे। हमने इसमें तेज पत्ता और जो दालचीनी डाली थी उसको हम अलग निकाल लेंगे और इसको सारे को मिक्सर ग्राइंडर में डालकर स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेना है। अगर आपको पेस्ट गाढ़ा लगे तो उसमें थोड़ा पानी ऐड कर लीजिए। पनीर को तलने के लिए तवे पर तेल डाला है। मैंने पनीर को बड़ी साइज का क्यूब में कट कर लिया था। अब हम इसको अच्छे से तल लेंगे। इसी के साथ मैं इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, नमक और हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ और इसको 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से पका लेना है, ताकि पनीर बाहर से अच्छा क्रिस्पी हो जाए और जब हम इसे ग्रेवी में डालें तो ये टूटे ना। इसका टेक्सचर सब्जी में बहुत अच्छे से निकल के आता है, तो हमें इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। पनीर हमारा रेडी है, तो चलिए अब आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। मैंने कढ़ाई ली है, उसमें वापस से मैं वही 2 चम्मच के करीब तेल डाल रही हूँ। थोड़ा सा जीरा ऐड करूँगी, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटे हुए प्याज ही इसमें ऐड करेंगे। प्याज हरी मिर्ची को हमें ब्राउन होने तक भून लेना है। इनको मसाले को चलाते रहिए, जब प्याज अच्छे से भून जाए उसके बाद अब हम इसमें इसके बाद इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। इसको भी अच्छे से भून लेना है, ताकि अदरक और लहसुन का कच्चापन निकल जाए। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच के करीब धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। इसको थोड़ा सा पानी डालकर मसाले को 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। उसके बाद इसमें हम बारीक कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे और वापस मसाले को ऐसे ही चलाते रहना है, ताकि मसाला हमारा जले नहीं। इसके बाद हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने से टमाटर जल्दी से गल जाएंगे। इसमें मैं बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ। शिमला मिर्च मेन इंग्रेडिएंट्स है, तो इसको आप स्किप नहीं करें, इसको ज़रूर से डालें। अब हमने जो ग्रेवी तैयार करी थी उसको छान करके डालना है, तो मैं इसमें ग्रेवी ऐड कर रही हूँ। ग्रेवी को तड़के में ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं और हमें इसको 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है। मैं इसमें 1 छोटी चम्मच के करीब चीनी ऐड कर रही हूँ, ताकि मसालों का बैलेंस बना रहे। अब इसके बाद ग्रेवी में उबाल आ गया था,
तो इसमें अब हम पनीर ऐड कर देते हैं। जो पनीर हमने फ्राई करके रख रखा था उसको एक एक करके इसमें डाल देंगे और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लग रही है? अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारी ये सब्ज़ी लगभग रेडी है। इसमें अब हम फ्रेश क्रीम डालेंगे। 2 चम्मच के लगभग मैंने इसमें फ्रेश क्रीम ऐड करी है। जब क्रीम मेल्ट हो जाए उसके बाद इसमें हम 1 चम्मच के करीब घी ऐड करेंगे। मेरे पास बटर नहीं था तो मैंने इसमें घी का ही यूज किया है। लगभग 1 फुल टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें घी डाला है। अब हम इसमें क्रश की हुई थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से डाल देना है। यह गरम मसाला मैंने घर पे ही बनाया है। घर के बने हुए गरम मसाले का अलग ही स्वाद आता है। तो मेरा तो यही कहना है आप लोग भी घर पे बनाकर ही गरम मसाला यूज़ करें। इसके बाद मैंने 1 क्यूब बचा कर रखा था पनीर का, उसको मैं सब्जी के ऊपर क्रश करके डाल रही हूँ। बहुत सारा क्रश किया हुआ पनीर ऊपर से डाल देना है और इसको हल्के हाथों से हम मिक्स कर लेंगे। हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर लबाबदार लगभग रेडी है। ताजे हरे धनिए की पत्तियों के साथ इसको गार्निश करेंगे। ये देखिए कितना शानदार लग रहा है पनीर लबाबदार। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। इसी तरह आपके लिए नई नई रेसिपी लाते रहेंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।